सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नेक्स्ट वीडियो में। बहुत से लोगों ने मेरी जो वीडियो है सुपर टेट के डिस्कशन स्ट्रेटजी डिस्कशन पर, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि सर एक वीडियो यूपी टेट के ऊपर स्ट्रेटजी डिस्कशन प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। उस वीडियो को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो उसको ही देखते हुए एक यूपी टेट पे भी मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस यूपी टेट के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सभी के मन में आने वाला है कि सर सिलेबस क्या है। बहुत से लोग को सिलेबस क्या, बल्कि मैं कहूँगा 99.99% लोग सिलेबस पता होगा, क्योंकि भाई अब आप यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। बट स्टिल मैंने डाल दिया है ताकि जो लोग शायद नहीं जानते हों। तो भाई देखिए कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट हैं। पांचों पार्ट 30 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आता है तो 30-30 के हो जाएंगे और टोटल पेपर 150 नंबर का है। पासिंग मार्क्स के बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है, 90 और 83, 82-83 का चलता है, बट आप 83 मानिए तो ये आपको नंबर चाहिए मिनिमम ताकि आप पास हो पाएंगे, कैटेगरी वाइज बताया मैंने। सेक्शन क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी आता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर मैथ्स एनवायरमेंट। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके लिए भी मैंने डाल रखा है, बट एक एक करके सब बात पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहले देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है जो कि 30 नंबर की आनी है, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2। देखिए 1 और 2 का यहाँ मतलब ये है जो लैंग्वेज 1 आप यूज़ करते हैं चूज़ करते हैं सॉरी उसका जो लेवल होता है वो लैंग्वेज 2 से थोड़ा सा हाई आता है। जैसे मतलब मान लीजिए आपको लगता है कि भाई आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 किसको ले लीजिए, हिंदी को ले लीजिए, और लैंग्वेज 2 फिर आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में। अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी से अच्छी तो आपकी इंग्लिश है तो आप क्या करिए लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चूज़ कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो लैंग्वेज 1 में जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करने वाले हैं उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ के आएगा, मतलब वो एक अच्छी खासी आपकी नॉलेज चेक करते हैं। लैंग्वेज 2 में उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या चूज़ करते हैं जो हमारी अच्छी होती है, बट हम उसको सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं। जैसे हम हिंदी भाषी हैं सभी लोग, अगर कोई साउथ का नहीं होगा तो वैसे यूपी में सब हिंदी भाषी ही हैं, तो हमारी हिंदी ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश से, ये हम सबको पता है। तो लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए, लैंग्वेज 2 की बात आती है तो उसमें संस्कृत और इंग्लिश आती है जिस पे हम बाद में आगे डिस्कशन करेंगे। तो लैंग्वेज 1 सीधी बात ये है वो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, चूज़ की जाती है जो हमको लगता है कि हमारी अच्छी है, जिसमें हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, डीप स्टडी कर पाएंगे। लैंग्वेज 2 में हम सेकेंडरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हमारी दूसरी भाषा होती है जिसको हम नॉर्मली यूज़ कर नहीं करते हैं और जिसको हम अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज मानते हैं, दूसरी लैंग्वेज मानते हैं। मैथ्स मैथमेटिक्स है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ मतलब जो आपकी EVS आती है। अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं, भाई बाल विकास और मनोविज्ञान पूरा नाम होना चाहिए था, भाषा प्रथम फिर से वहीं, भाषा द्वितीय फिर से वहीं, गणित और आपका पर्यावरण अध्ययन सेम चीज़ है, बस हिंदी और इंग्लिश दिखा दिया ताकि आपको पता हो। वहीं 30-30-30 के हैं और सभी के एक नंबर के हैं, 150 का पेपर है, 90 और वहीं 83-82 आपका स्कोर करना है आपको। अब बात आती है दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट लें। भाई देखिए आपको पता है इंग्लिश और संस्कृत ये दो ही जगह ऐसी हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एक कंफ्यूजन वाली बात रहती है कि भाई, क्योंकि देखिए जो जो लोग उर्दू जिनको आती है, भाई मुझे तो नहीं आती, मैं टू बी ट्रू तो मैं उर्दू की बात जानता ही नहीं हूँ बिल्कुल। जो लोग जिनको आती हो शायद वो लोग बता पाएँ उर्दू कैसी आती है, लेकिन हम लोगों के लिए क्वेश्चन आता है इंग्लिश संस्कृत। मैं CBSE बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ तो जितने बच्चे CBSE बोर्ड वाले हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा समस्या आपका काम होता है, क्योंकि आप जिस भी कोचिंग में जाएंगे हर कोचिंग वाला आपसे एक चीज़ कहेगा, संस्कृत ले लो भैया, मेरी गारंटी है संस्कृत में मैं तुम्हारे 30 में से 25 के ऊपर नंबर दिलवा दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हर कोचिंग वाले के जवान पे यही चीज़ होती है, ये 90% कोचिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी उस दर तक गया हूँ, मैंने भी मत्था टेका है कोचिंग्स का, मैंने भी एक दो कोचिंग्स ट्राई की थी डेमो क्लासेस लेकर, सबकी बात सुनी है इसलिए बता रहा हूँ, और मैंने खुद पेपर दिया है और इसलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा इंग्लिश या संस्कृत, लैंग्वेज या लैंग्वेज टू कोई भी बात करें। क्योंकि देखिए आपको लगेगा कि संस्कृत तो भाई हमको आती नहीं, भाई देखिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिन्होंने 10th तक की संस्कृत पढ़ी है डेफिनेटली उनकी संस्कृत अच्छी है, तो उनको तो सोचना ही नहीं, भाई उनकी संस्कृत अच्छी है आप संस्कृत लीजिए, सीधी बात।
लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्पेशली बच्चों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनको 8 तक की केवल इंग्लिश आती है, उसके ऊपर ही उन्होंने सॉरी 8 तक की उन्होंने केवल संस्कृत पढ़ी होती है, और वो कैसे पढ़ी होती है वो हम सबको पता है सीबीएसई बोर्ड वालों को। यहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई तो हमको लगेगा नहीं नहीं इंग्लिश ले लेते हैं, लेकिन इंग्लिश भी अपनी कितनी अच्छी है ये भी आप लोग को पता है, क्योंकि देखिए नाम है सीबीएसई बोर्ड, या फिर आपके स्कूल में अगर ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाई गई हो तो अच्छी बात है, वरना सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम होता है, बट दे वाई आई रियली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि वो क्यों नहीं फोकस करते हैं ऑन इंग्लिश, वाई रियली दे डोंट गिव अ फोकस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे उनका कोई फोकस नहीं होता। भाई आप रीड करा रहे हो ठीक, इंग्लिश पर रीडिंग चल रही है, आप राइटिंग करा रहे हो इंग्लिश चल रही है, बट वेयर इज़ द ग्रामर, ग्रामर पर फोकस नहीं करते हैं। कौन से ग्रामर पढ़ाई जाती है, वहीं जो एक्सरसाइज के पीछे दो चार क्वेश्चन दिए होते हैं। तो हम लोग इंग्लिश वोकैबलरी में अच्छे हैं, वी कैन स्पीक वेल इन इंग्लिश, बट जब बात आती है ग्रामर की हम सब लोग इस चीज़ में लैक कर जाते हैं। और आपको पता है यूपी टेट में ग्रामर अच्छी खासी आती है, अच्छे से प्रिपोजिशंस आएंगे, अच्छे से टेंसेस आएंगे, कन्वर्जन्स आएंगे, मतलब ढंग की आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। बट अगेन आप फंसे कि भाई संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश वो भी भाई अधर में अटकी हुई है। फिर आप कोचिंग गए, कोचिंग वाले ने कहा भाई संस्कृत ले लो, तुम्हें जीरो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, तब भी तुम्हारे 22 के ऊपर नंबर में दिलवा दूंगा। देन यू गॉट कन्फ्यूज, नाउ वॉट टू डू, आता अपने को दोनों नहीं अच्छे से, बट कोचिंग वाला इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है और तुमको इतना मैनिपुलेट कर देगा वो अपनी बातों में घुमा घुमा के तुम्हें लगेगा नहीं यार मुझे संस्कृत ले लेनी चाहिए। बट यहाँ पर आपका एक इंट्यूशन अंदर से आवाज़ देता है कि भाई मेरे को संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती। आपके अंदर ही क्वेश्चन आएगा कि भाई मुझे संस्कृत नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती संस्कृत, नाउ व्हाट शुड आई डू। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ भैया इंग्लिश ले लेना। अगर आपको संस्कृत, मैं तो कहूँगा अगर आपको संस्कृत 50% भी आती ना तो संस्कृत ले लेना, लेकिन अगर आपको लगता है संस्कृत मुझे ना भाई 10% ही आती है, आई विल सजेस्ट प्लीज़ मत लीजिए, इंग्लिश को ही चूज़ करिए, इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दीजिए, अपने दम पर जाइए। देखिए वो पता क्या आपको करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको बातें, आपको वो रस अलंकार रटवा देंगे, संस्कृत में आपको वो संधि विच्छेद रटवा देंगे और समास रटवा देंगे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं और ये आते ही हैं, तो वो आपको ये रटवा देंगे हिंदी वाला और कहेंगे कि ये संस्कृत का सेम होता है। आपको पेपर में संधि विच्छेद दिख जाएगा, पेपर में आपको समास दिख जाएगा, और आपको एकाध अलंकार अलंकार के कुछ क्वेश्चन संस्कृत के कॉमन और हिंदी के दिख जाएंगे, तो आप वहाँ पे वो स्कोर कर लेंगे। फिर एक पैसेज आएगा, पैसेज में वो आपको ये बताएंगे कि कुछ नहीं करना तुमको, बस ये शब्द तुमको जहाँ दिखे वहीं ढूंढ लेना, वो लाइन वहीं से थोड़ा तुक्का मार के मार देना, और वो आपको एक शायद पैसेज करके भी दिखाएं और आपको एक जल्दी जल्दी में वो अरे देखो ये लिखा है यहाँ, ये टिक कर दो, ये कर दो, ऐसा कुछ आपको शायद वो डेमो दें, तो आपको लगेगा हाँ हाँ यार हो तो रहा है। बट देखो भाई पेपर का पैटर्न हर साल बदलता है, लेवल हर साल एक बार अप हो जाता है, अगर वो ही वैसा बिल्कुल दिखा कि नहीं दिख गया ऐसा अगर पेपर में नहीं आया तब इस चीज़ को सोचिए। देखिए इंग्लिश आपको इतनी तो आती है ना कि कितना भी टफ होगा एक पैसेज, एक आध वोकैबलरी, एक आध टेंस वेंस तो मार तुक्का ताकड़ी कर कुछ ना कुछ करके भाई 20 में से 15 नंबर तो तुम्हारी दम है ना इंग्लिश में, लेकिन क्या तुम्हारी दम है संस्कृत में 15 नंबर लाने की अपने दम पे? अगर आपका आंसर हाँ है तो संस्कृत ले लेना, और यहीं अगर आपका आंसर ना है कि मेरी दम पे मैं 15 नंबर संस्कृत में नहीं ला सकता, मत लीजिए, क्योंकि पेपर कब टफ आ गया इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपने जिस साल चूज़ किया उसी साल संस्कृत टफ आ गई, तब तो जो आप इंग्लिश में 15 ला रहे होंगे सर या मैम, आप 15 नंबर भी गेन नहीं कर पाएंगे। यही सेम सिचुएशन हमारे साथ थी, मेरे साथ थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ थी, हम 6-7 लड़के थे केवल इंग्लिश वाले, हम लोग गए, हमें भी यही समझाया गया, एक आध पैसेज सर ने निकाले तो पढ़ाए समझाए, तब तो लगा कि हाँ, पर जब घर गए और फिर से एक आवाज़ आई कि नहीं यार खुद से देखते हैं कोई पेपर उठा के संस्कृत का, भाई साहब 7-8 नंबर आ रहे थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है 101% अडॉप्ट करिए इंग्लिश, और जब पेपर आया तो भाई साहब ऐसा ही हुआ, इंग्लिश बहुत आसान आ गई, इंग्लिश ही हम लोगों ने चूज़ की,
15-16 सोच के गए थे, बट आई थिंक 27 या 26 नंबर या 28 समथिंग कुछ मैंने अडॉप्ट उसमें गेन किए थे। तो कम से कम जो अपना कंफर्म मार्क्स है उसको हवा में मत लेके जाइए, क्योंकि देखिए पैडागॉजी की तो किस कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पैडागॉजी कैसे आने वाली है भूल जाइए। ईवीएस कभी पलटती रहती है बीच बीच में, जो 19 वाला यूपी टेट हुआ था उसकी ईवीएस उठा के देख लीजिएगा, आपको अपने आप एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ईवीएस पुराने पैटर्न से ही आती है या कभी कभी बदल भी जाती है। तो कुछ सेक्शंस का कभी कभी हम कह नहीं सकते, तो मान लीजिए वो सेक्शन टफ आ गया, तो कम से कम जो हम किसी सेक्शन से 15-20 नंबर उठा सकते हैं तो वो तो अपने फिक्स रखिए ना, ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में संस्कृत भी ऐसी वैसी आ गई तो 7-8 नंबर इसमें भी रह गए और जो आप सोचे गए थे पैडागॉजी में उसमें भी आपके 15 ही नंबर हैं, तो आपके 90 नंबर लाने में लाले पड़ जाएँ। तो भाई मेरा सजेशन आपके लिए इंग्लिश एंड संस्कृत के लिए यही रहेगा, अगर आपके अंदर खुद से ये आवाज़ आती है कि आप बिना किसी के पेपर में मतलब मदद के आपकी दम पे आप संस्कृत में 15 नंबर ला सकते हैं, तो संस्कृत चूज़ करिएगा, फिर बाकी किस्मत। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे 15 नहीं आने वाले अपने दम पे संस्कृत में, संस्कृत बिल्कुल मत चूज़ करना भाई, जो 15 नंबर इंग्लिश में ले आओगे ना वो भी संस्कृत में चले जाएंगे, और संस्कृत बिगड़ी तो आपके सारे सेक्शन बिगड़ जाएंगे टेंशन में कि भाई संस्कृत तो मेरी जा चुकी है। तो आई होप यहाँ पे आपको एक आंसर मिल गया होगा, इंग्लिश या संस्कृत में क्या चुनना है, तो इंग्लिश और संस्कृत में दम 15 की खुद की है संस्कृत चले जाओ, और दम 15 की नहीं है संस्कृत में इंग्लिश ले के चूज़ करना, बता दे रहा हूँ 20 के ऊपर नंबर आएंगे बड़े आराम से, चाहे आपकी ग्रामर कितनी भी झंड हो, सीधी बात। और जो संस्कृत वाले हैं भैया वो तो संस्कृत ही लेंगे, बात ही खत्म। ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए इतना लंबा ज्ञान आपको देना पड़ गया। अगला जो भैया पार्ट आपकी फंसता है, अब आती है भाई स्ट्रेटजी, पेपर हमें कैसे करना है, सबसे बड़ा बात स्ट्रेटजी पेपर की अब आने वाली है। भाई देखो आपको पता है बाल मनोविज्ञान पेडागॉजी सब मिलाकर 30 नंबर कैसा आता है, अच्छी खासी बाल विकास पूछते हैं सभी, आपको जितने बड़े बड़े बाबा लोग अपना ज्ञान दर्शन दे गए हैं, उनके सभी जो नियम दे गए हैं, जो वो खोज करके गए हैं, कुत्ते पर गए हैं, बिल्ली पे गए हैं, उन सब के बारे में A to Z आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पहली चीज़ आती है ये। दूसरी चीज़ जो आती है आपको जो आना चाहिए, उनके कथन या मतलब उनके वक्तव्य, जो वो कुछ ना कुछ कह गए कि बालक ऐसा है और वो ये कर सकता है, शिक्षक अगर वो है, जो उनके वक्तव्य होते हैं बताइए आप लोग जानते हैं, वो सब आपको पढ़ने होते हैं। आपको सभी के बारे में जितने भी उन्होंने खोज की है या जो भी उन्होंने आपको नियम या लॉ दिया है, उनके एक ही नाम नहीं है, उसी को वो 2 या 3 4 नामों से बुलाए जाते हैं, या अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो आपको वो चीज़ अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कुछ कॉमन नाम होता है बट वो घुमा के दे देते हैं, दूसरे नाम से दे देते हैं तो फिर आप कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उनके सभी नामों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो किस नाम से और फेमस हैं, सारी इंफॉर्मेशन पैडागॉजी बाल विकास की आपको होनी चाहिए, सब कुछ कथन से लेकर कोई किताब स्पेशल लिखी गई थी उससे लेकर ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई जो आप ये बाल विकास पढ़ेंगे यही सेम बाल विकास सुपर टेट में आनी है, एक लेवल बढ़ के आनी है, तो सुपर टेट के लेवल के हिसाब से बाल विकास को अभी से पढ़िए। हिंदी की बात करेंगे तो देखिए भाई एक पैसा जाना है पूरी ढंग, अच्छी खासी ग्रामर आएगी, अच्छी खासी ग्रामर आएगी, समास हो आपका, एक अनुच्छेद आएगा आपके, लिंग वचन समास संधि विच्छेद अलंकार आपका, मतलब ढंग से आपको प्रत्यय हो चाहे आपके तत्सम तद्भव हो, सब कुछ आना है, विपरीत पर्यायवाची जो भी आपको पता है ग्रामर हिंदी होती है वो पूरी आनी है। रचनाएं भी पूछी जाती हैं ये तो आपको पता ही होगा। तो भाई देखिए रचना का तो मैं आपको सही बात कहूँ कोई अंत नहीं है, रचनाएं तो इतनी हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो रचना छोड़ के चला गया था भाई, मैं मुझे पता है मैं रट के बैठूंगा तो ही शायद एक लगा पाऊंगा और तुक्के मारूंगा तो भी शायद एक लगा पाऊंगा। तो देखिए रचनाओं पर ज़्यादा फोकस मैंने तो नहीं किया था, अगर आप चाहते हैं और आपके पास टाइम काफ़ी है तो रटिए बैठ के, वरना जो मेन बड़े बड़े कवि हैं कालिदास सूरदास इस टाइप के, तो उनके आप याद करके कम से कम जाइए, और बाकी तो ऐसे तो याद करना बहुत ही टफ है। फिर अंग्रेजी या संस्कृत आप लेंगे तो वहीं संस्कृत हिंदी जैसी ही आती है, इंग्लिश भी वहीं ग्रामर पूरी आएगी, पैसे जाएगा, सन्नोनिम्स एंटोनिम्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, ये सब आपको वहीं सेम बुक
जो एक लैंग्वेज में मैंने बताया हिंदी में वैसा ही सेम आता है, लेवल भी अच्छा आता है। मैथ्स की बात करते हैं, देखो मैथ्स में मैथमेटिकल पैडागॉजी जो होती है वो भी आएगी, जो सीटेट टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब 30 में से 5 या 8 क्वेश्चन थोड़ा पैडागॉजिकल आएंगे कि एक बच्चा गणित में इस सवाल को ऐसा सॉल्व करता है तो बताइए उसके इस क्रिया से आप क्या समझते हैं कि वो बच्चा कैसा है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, पहली चीज़ हो गई। फिर आपके जो गणित में प्रश्न हैं, चाहे टाइम एंड वर्क हो, और आपका एक आदमी इतने दिन में ये काम कर पाता है, ट्रेन आ रही है, बोट आ रहा है, फिर आपको अगर मैथ की और बात करें तो जैसे आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे ट्राइंगल के मिल जाएंगे, एक आध क्वेश्चन मेंसुरेशन से पक्का आता है, मेंसुरेशन मतलब वही ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल, इनसे पक्का क्वेश्चन एक आएगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट इनसे क्वेश्चंस आपके पक्का आएंगे, एक आध क्वेश्चन आपके केवल नंबर्स पे होते हैं कि वन नंबर इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड इज़ द थर्ड, ऐसा क्वेश्चन एज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और फ्रैक्शन आपको देखने को मिल जाता है, और थोड़ा बहुत एंगल ट्रायंगल इनके क्वेश्चंस पक्का आएंगे आपके पास, प्रॉफिट लॉस थोड़ा बहुत देख के ज़रूर जाइएगा आप, वो तो पता है आपको आना ही है प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कुछ मैथमेटिशियंस के बारे में जो जिन्होंने कुछ इफेक्ट डाला हो वो भी देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, सभी चीज़ लगभग लगभग मैथ्स में आती है। देखिए लेवल इसका बहुत टफ नहीं होता, नॉर्मल लेवल होता है, तो थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करके पढ़ लेंगे, जो जिनको जिनकी मैथ्स अच्छी है तो वो डेफिनेटली 30 में से 24+ तो वो स्कोर करते ही हैं, वहीं जो 6 7 8 क्वेश्चन जो आपके आएंगे पैडागॉजिकल उनमें ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है, वरना मैथ्स भी अच्छी आती है, लेकिन हाँ जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो उनको थोड़ा सा भाई पढ़ना पड़ेगा, लेवल बेसिक तो कम से कम आपको इतनी मैथ्स आनी चाहिए कि आप देख के तुक्का ही मार सको नियरेस्ट वाला, तो आपके उसमें नंबर लोगों के मैथ्स में कट जाते हैं। मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनकी मैथ्स नहीं अच्छी थी तो वाकई में वो लोग 30 में 12 15 नंबर ही केवल स्कोर कर पाए क्योंकि उनकी मैथ्स अच्छी नहीं थी। तो अभी टाइम है, मैं देखिए मैथ्स के वीडियो बनाता हूँ उसमें उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, दैट मीन्स शायद लोग नहीं फोकस करते हैं मैथमेटिक्स को, बट जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है भाई उनसे मेरा प्रे है, मैं उनसे बोलता हूँ अभी से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ में दिमाग लगाइए, टाइम बहुत है आपके पास, तो मैथ्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी चीज़ें तो आप फिर मेहनत करते ही हैं। चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं, और हो गई उसके बाद आती है आपकी ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन। देखिए भाई पर्यावरण अध्ययन जो है ना ये तो ज्योग्राफी है पूरी, पता है आपको, तो 8 तक की आपको एनसीईआरटी के बारे में पता होना चाहिए, ईवीएस अगर आप पढ़ते हैं तो साइंस आपने पढ़ी है तो बहुत ही बढ़िया काम है, इसमें आपके नेशनल पार्क जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ हेड ऑफिसेस पूछ लेते हैं, इन्वायरमेंट से जो प्रोजेक्ट चलते हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एक है, प्रोजेक्ट जो गैंडा का था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्ट वैक्ट देख लीजिए, पॉल्यूशन पे जरूर एसिड रेन हो गई इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, और नेशनल पार्क्स कहाँ हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए पक्का मिलेंगे, फूलों पे कुछ क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, और आपका ये जो एटमॉस्फियर है इस पे भी क्वेश्चंस पक्का आएंगे, कुछ कुछ गैस वैस से रिलेटेड आएंगे, एक आध जो कॉमन साइंटिफिक नेम है कॉमन नेम होते हैं, कॉमन सॉल्ट को क्या कहते हैं, D2O क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या है, O3 है फॉर्मूला क्या है, जो भी चीज़ें इस तरह के आपको क्वेश्चन जो बेसिक ईवीएस या साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड अच्छा होता है, बहुत टफ नहीं बट अच्छा स्टैंडर्ड होता है, बिना पढ़े आप इस पर मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। रिवर्स हो गए आपके, वॉल्केनो हो गए, उनको जो एक्टिव स्पेशली उनको देखिए जो आजकल करंट में चल रहे हैं उनको देखिए, एटमॉस्फेयर का मैंने बता ही दिया है आपको, और थोड़ा बहुत जो आपके ये काउंसिल्स होते हैं जैसे यूएन यूएन हो गया, तो जो यूनेस्को है, आजकल यूनिसेफ का बहुत काम चल रहा है, कोरोना में बड़ा योगदान है, तो वहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में देखना है कि कितने मेंबर हैं, कब बना, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ईवीएस में देखने के लिए मिलेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं लेकिन देखिए इजी भी नहीं है, क्योंकि देखिए दिन पर दिन आपको पता है कि जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ रहा है, जहाँ पहले 4 लाख लोग बैठते थे वहीं आज 40 लाख बैठने के लिए तैयार हो गए हैं, और हर आदमी 90 नंबर ला रहा है कम से कम, तो वो भी लेवल बढ़ा रहे हैं ताकि सुपर टेट में ऑटोमेटिक भीड़ कम हो जाए, ताकि उनको अच्छे बच्चे छाटने में आसानी हो। तो मेरे हिसाब से यूपी टेट और सुपर टेट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ की मैथ्स ले तो यहाँ कॉमन मैथ्स आ रही है, HCF LCM
परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं सुपर टेट में जाइए तो उनका लेवल अचानक से बहुत हाई कर दे रहे हैं। तो देखिए, अगर आप केवल यूपी टेट सोच के चल रहे हैं तो बेसिक्स प्लस मॉडरेट तक जाइए, लेकिन अगर आप सुपर टेट की सोच रहे हैं तो मॉडरेट से भी ऊपर उठ के आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ गेन कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या वाकई में डिफरेंस है एक सुपर टेट और यूपी टेट में, और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आई होप ये भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस सब्जेक्ट का लेवल क्या होता है, कहाँ तक, कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस, कहाँ तक के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। तो अच्छे से पढ़िए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, इस टाइम का जितना यूज़ कर सकते हैं यूज़ करिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन है या जो भी है तो आप मस्ती मस्ती करें, अपना टाइम वेस्ट कर दें। देखिए, सभी लोग बीमार हैं, सभी में कुछ ना कुछ खांसी जुकाम चल ही रहा है, बट इस चीज़ को ओवरकम करते हुए इस खाली समय का बहुत अच्छा यूज़ करिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए मेहनत करिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको अपने पीछे वाले को नहीं हराना है, पूरी लाइन लगी है, उस लाइन को हराना है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, वीडियोस देखते रहिए, और जो वीडियोस लोग बना रहे हैं उनके वीडियोस देखते रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, और जब पेपर आए जस्ट बैंग ऑन द टारगेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।